सारण जिले में तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। आज दुग्ध वाहन ने जिले के जलालपुर थाना अंतर्गत मुख्य मार्ग पर बाइक सवार एक शिक्षक को रौंद दिया, जिससे उस शिक्षक की मौत मौके पर हो गई। वहीं दुग्ध वाहन भी कुछ कदम आगे जाकर दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। हालांकि गंभीर स्थिति में शिक्षक को छपरा सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के नून नगर काही गांव निवासी अमरेंद्र श्रीवास्तव का 22 वर्षीय पुत्र अमृत कुमार श्रीवास्तव उर्फ श्रवण कुमार बताया गया है। उसके मौत की सूचना जैसे ही घर वालों को और गांव में मिली, कोहराम मच गया। परिवार वालों में जहां रो रो कर स्थिति बिगड़ रही है, वहीं गाँव में भी मातम पसरा हुआ है। सूचना के बाद काफ़ी ग्रामीण भी छपरा सदर अस्पताल पहुँचे और शोक संवेदना प्रकट करते हुए इस घटना की घोर निंदा की। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा। क्या घटना हुई अभी? ये सुबह में मेरे गांव का, मेरे बगल का एक काही गांव है, काही गांव नूरनगर काही कहा जाता है, जलालपुर के बगल में ही गांव है, और वहां का यह अमृत कुमार श्रीवास्तव नाम का लड़का है, यह पढ़ाने के लिए स्कूल में जा रहा था और सुबह सुबह पढ़ाने के लिए जा रहा था। यह अमरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का लड़का है और शंकर प्रसाद श्रीवास्तव का बड़ा पोता है। और दुखद घटना घटी, एक तेज रफ्तार के शिकार यह लड़का हो गया। ट्रक और हमारे नगरा के तरफ से ट्रक जा रहा था और तेजी से इस लड़के को, मोटरसाइकिल पर था, इस लड़के को मार दिया है। और मारने के बाद ट्रक भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, वहाँ अभी उलट गया है और इस लड़के का एक दुखद अंत हुआ है। और मैं समझता हूँ कि लड़का अभी एक महीना पहले ही इसकी बहन की शादी हुई है और अत्यंत पीड़ादायक यह घटना है। और तेज रफ्तार पर रोक लगाना, मैं समझता हूँ कि जितना, जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक तेज रफ्तार के खिलाफ जो बड़ा फैसला लिया था, उसकी बहुत आवश्यकता है। और सारण जिला में कितने होनहार तेज रफ्तार के शिकार प्रतिदिन हो रहे हैं, इसे सब लोग जानते हैं। और मैं प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि आप इसको नहीं रोकेंगे तो कितने होनहार अमृत जैसे कितने होनहार प्रतिदिन सारण जिला के विभिन्न कोने में दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। यह बड़ी दुखद घटना है। और आज सुबह सुबह हम लोगों के जलालपुर पूरा शोकाकुल है, पूरा जलालपुर शोकाकुल है, क्योंकि शंकर लाला अपने आप में बहुत ही हम लोगों के बीच में सामाजिक उनकी प्रतिष्ठा है। और वैसे परिवार से एक जिसके घर से अभी डोली उठी हुई थी, अभी एक महीना भी नहीं हुआ, उसी घर से आज अर्थी उठने वाली है। यह अत्यंत पीड़ादायक है, मैं इसको व्यक्त नहीं कर सकता कि कैसे मैं क्या कहूँगा। ट्रक वहाँ पे पलट गया दुर्घटना के बाद, चालक फरार है। दुर्घटना कहाँ पे हुई है, किस जगह? दुर्घटना माधोपुर चौक के पास हुई है, जलालपुर से पूरा है, माधोपुर चौक। परिचय भी दे देंगे? राजेश्वर पूर्ण हूँ और मैं किशनपुर ग्राम का वहीं जलालपुर में वासी हूँ और भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।